हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। तो आज है मेरी एक नहीं दो मीटिंग, एक गर्म पानी तहसील में सभागार में है, महिला सभागार में, दूसरी हमारे चौक बाज़ार में हो रही है मशरूम की ट्रेनिंग। मशरूम की ट्रेनिंग के लिए हम आज कुछ महिलाएँ आ चुकी हैं इधर से। फील्ड की सफाई करनी है, प्रधान मेरे को ऑर्डर दे रही है। मतलब पधेरी के मतलब ये तो झाड़ लगे बैठे कल जाते नहीं लागू ना, क्या मतलब होता है यार? अरे मैं उनके साथ, मेरा काम था पर्सनल, कुछ काम कुछ वीडियो में आएगा, पूरा वीडियो में आएगा, मैं फोड़ दूंगी। प्रधान जी अभी कोई बात नहीं, लेबर भी लगा सकते हो, इतने अपने गांव का था। ये गांव वालों को पता नहीं क्या गंदगी होती है करके, क्यों होता है? मशरूम की ट्रेनिंग से पहले झाड़ू के लिए की लड़ाई हो गई है, प्रधान हमको ऑर्डर दे रहे हैं कि झाड़ू लगाओ। सुन के देखो तभी पता चलेगा कैसा। अब हमारा बोर्ड तुम्हारे पास ही, बेफिक्र रहो। अच्छी कह रही है, एक बार हमको चुन के देखो फिर हम कैसा करते हैं। हमारी महिलाओं आ चुकी है, हमारी सब खड़ियों, तो बाकी थोड़े बहुत महिला और आ गई है। तो खुशी को इस बार ग्राम प्रधान बनाना है हमें, तोड़ के मेहनत करनी है। इस बार हमारी प्रधान खुशी देवी, हाँ प्रधान ने भी ऑर्डर दे दिया है इस बार, खुद तोड़ दिया है उस प्रधान का। तो प्रधान द्वारा भी अच्छा काम हो रहा है, हम ऐसे लगाते तो इन महिलाओं का तो मशरूम की ट्रेनिंग के लिए आ चुकी हैं थोड़ी बहुत महिलाएं हमारी। इनके बीच में हो रहा है बहुत महायुद्ध, तो प्रधान मानेगी नहीं जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी नहीं, है मानेगी नहीं। पकड़ दिया है मैंने झाड़ू, कमेंट करके बताना झाड़ू ही तो हो गए। तो यहाँ पे हमने फील्ड की सफाई जो है चेक कर तरह से कर दी है। महिलाएं बैठ गई है चटाई में, चटाई कम पड़ गई है, कुछ लोग गए हैं दो महिलाएं चटाई लेने, क्योंकि आज कम से कम 50 महिलाएं यहाँ आएंगी हमारे गांव की मशरूम की ट्रेनिंग के लिए। तो आगे क्या क्या होता है बताते हैं आपको। मशरूम की ट्रेनिंग हमको मिल गई है काफी, और अपना खाने के लिए बांटने वाले ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी समाप्त, पहली दिवसीय। बहुत सारी महिलाएं बहुत, अब धनियाकोट में मशरूम ही बता रहा है ना, तो मैं अब आप मुझे छोड़ दीजिएगा तो आप एक ग्रुप बना लीजिएगा छोटो, मतलब उसमें मैं आपको ना फोटोग्राफी शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों मशरूम की ट्रेनिंग एक दिवसीय हो गई है, 3 दिन का है, तो आज समाप्त हो चुका है। हम आ गए घर। बसंती के पाँव में मोच आ गई है। तो बामुन जी आ क्या सीखा फिर तुमने? मशरूम की खेती, खेती बिल्कुल उगाएंगे, बल हम उगाएंगे, हम हमारे वैसे ले जाना। वैसे के आंसू समझ में नहीं आ रहे क्या है सवार है ऐसा हो गया, तो हम बोलो मशरूम लेके हम बाजार जाएंगे, परसों को सर में रख के ले जाएंगे। धनियाकोट वाले होते हैं बल, माला माल, हां माला माल होते हैं। अब खेती पाती कुछ होती नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है हमको, भैया मशरूम का, हम तो मशरूम उगाते हैं। फिर हमरे नाम पर गुड, क्या कर रही है गर्विता?
निर्जा क्या कर रही है? हेलो गाइस बोल दे पहले। हेलो गाइस बोल। अरे रे इतना सारा बीजा ये लगा रन से कमाल। बोल कहाँ आपको प्लांट नहीं दिख रहे हैं? जग मिल जाए यार लड़ो। मैं कविता जग दे 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 मामा को दे बेटा शाबाश दे। यहाँ पे भी दे, यहाँ पे नहीं दिया है। हाँ यहाँ पे तेरे पाँव के नीचे। हाँ गुड लड़का तुम तो खींचो। हेलो गाइज बोल दे बोल दे। मैं अपने नानी के गोद में हूँ ना। तो आज हमारी आई है कौन? दिल्ली से आई है गब्बू। गब्बू गब्बी गब्बू का भाई उधर गया है। हेलो गाइज दुग्गू दुग्गू हाँ दुग्गू है। मैं गब्बू कह रही दुग्गू। हेलो गाइज बोल दे। हेलो गाइज मेरा नाम क्या है? गर्विता। मैं गर्विता जलाल हूँ बोल दे। फिर जलाल हूँ दिल्ली से आई हूँ। अभी बैठी हूँ मैं किसके? अपने नानी के गोद में बोल दे। नानी के गोद में मेरे नाती और मेरा नाती आया है तुमको और हमारी गब्बू अच्छी है। बाय करते हाय करते हाय करते हाय हाय गाइस मेरा नाम दुग्गू है बोल दे। इधर घर ये और ये है गर्विता ना गुड। हाँ पढ़ाई कर रहा है भाई दुग्गू। दुग्गू पढ़ाई कर रहा है आगे नहीं आई है। आ लिखो 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 क्यों तू रो क्यों रहा है? गब्बू तो पढ़ाई कर ली। क्या लिख रहे हो? क्या लिखा दिखा क्या लिखा? मैं भी लिखू है क्या लिखू? तू तो खेत से आ गई थी पानी दे दिया मैंने। और यहाँ पे आए हैं मेरे नाती नातनिया दिल्ली से। वो भी आए थे खेत में पानी देने। तो मैं थोड़ी देर उनके साथ खेल करती हूँ और बनाती हूँ खाना। ठीक है वीडियो को भी इन करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मैं दीपा जलाल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।